इसी बीच एक और बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों तक साझा करते चले तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हिसार से, जहां जेजेपी के बागी विधायक जोगीराम दरअसल चुनाव में रणजीत चौटाला के समर्थन करने की घोषणा उन्होंने की है। बहुत बड़ी जानकारी है, देखिए समर्थकों से रणजीत सिंह चौटाला के लिए प्रचार करने की अपील उन्होंने कर दी है। मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, ये जोगीराम सिहाग कहते हुए नजर आए हैं। तो जेजेपी एक परिवार की पार्टी है, जोगीराम सिहाग ने कहा है। बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हिसार से। जेजेपी के बागी विधायक जोगीराम सिहाग का ये बड़ा फैसला, जहां चुनाव में रणजीत सिंह चौटाला के समर्थन में उन्होंने अपील की है और तमाम नेताओं से उन्होंने अपील की है, तमाम समर्थकों से अपील की है कि आप यहां पर समर्थन दीजिए। तो देखिए चुनाव, उन्होंने कहा है कि मैं पार्टी से अलग नहीं हूं। जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग ने आज अपने समर्थकों की बैठक बुलाकर हिसार बीजेपी से प्रत्याशी रंजीत सिंह को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। इस वक्त जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग हमारे साथ है। विधायक जी, क्या फैसला लिया है आज बैठक बुलाकर? आज हम सब ने मिलकर फैसला लिया है इस देश के विकास के ध्यान में रखते हुए कि देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे हिसार से लोकसभा के प्रत्याशी चौधरी रंजीत सिंह जी, उनको समर्थन करने का फैसला। जेजेपी से दूरियां आपकी लगातार बढ़ी हुई हैं, पिछले कई दिनों से आप कार्यक्रमों में दिखा रहे, क्या नाराजगी रही जो आयोग फैसला? नाराजगी कोई नहीं है, दूरियां जरूर बढ़ी हुई है। कुछ बातें आपने कही समर्थकों से, कार्यक्रमों में नहीं बुलाया गया, इस तरह की बात से आप आहत हुए? आहत तो नहीं हुआ, लेकिन वो एक परिवार की पार्टी है और जिस परिवार की जो पार्टी होती है उसमें उसका निर्णय सर्वोपरि होता है, इसलिए वो अपना निर्णय जो करते हैं उसमें वो सर्वोपरि है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ आप कई बार दिखाई दें, बहुत नजदीकियां बढ़ गई, बीजेपी ज्वाइन करने का कार्यक्रम है कोई? बीजेपी ज्वाइन करने का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन ये मैं आपको बता देता हूँ, आज तक के हरियाणा प्रदेश में जितने भी मुख्यमंत्री आए हैं, आगे आएंगे उनके बारे में कुछ नहीं होता, उनमें सबसे बढ़िया जो काम करने का तरीका है तो माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का है। आपकी पार्टी से जिससे आप विधायक हैं, यहाँ प्रत्याशी भी है और आप उनके विरोधी को समर्थन कर रहे हैं, पार्टी की तरफ से या किस तरह की कार्रवाई भी की जा सकती है, आप क्या देखते हैं? मैं उनको विरोधी को समर्थन नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो उनका परिवार का व्यक्ति है, व्यक्तिगत तौर पर देखें तो हमारे परिवार का भी है, उनका परिवार का भी व्यक्ति है, उनके विरोधी को कोई नहीं कर रहा। विरोधी तो और भी बहुत है, दूसरे भी पाँच सात और खड़े हैं, मैं उनके विरोधी को नहीं, मैं तो इस देश का विकास कैसे हो, इस देश को आगे कौन बढ़ाएगा वो देख के, हम सब ने, मुझे नहीं, मैंने तो निर्णय लिया, मेरे साथियों का है, सब ने इस चीज़ को ध्यान में रखे। आपकी कोठी पर भी जेजेपी का झंडा लगा हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? हम पार्टी नहीं छोड़ी है, हमारे किसी साथी ने कहा पार्टी छोड़ दो, तो इसलिए पार्टी नहीं छोड़ी। देखिए पार्टी के खिलाफत में तो आप वोट मांग रहे हैं, खिलाफत में काम मांग रहे हैं, बीजेपी के लिए तो खिलाफत, मैं पक्ष में मांग रहा हूँ, खिलाफत में किसी के नहीं मांग रहा हूँ, मैं तो सिर्फ जो है बीजेपी के पक्ष में, चौधरी रणजीत सिंह के पक्ष में मांग रहा हूँ। ऐसे में अगर पार्टी किस तरह की कार्रवाई करती है उस समय देखेंगे। जो तो बिल्कुल उनका ये कहना है कि वो जेजेपी के विरोध में नहीं, सिर्फ बीजेपी के पक्ष में वोट मांग रहे हैं और पार्टी अभी तक उन्होंने नहीं छोड़ी है, उसको लेकर आने वाले समय में वो फैसला लेंगे। फिलहाल अपने समर्थकों के साथ उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी रणजीत सिंह के समर्थन का ऐलान कर दिया है। कुलदीप सिंह, इंडिया न्यूज के साथ।